ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूर्य समाचार पर डिप्टी एसीएम मुकेश अग्निहोत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सीमेंट फैक्ट्री बंद होने पर हमने रिपोर्ट मंगवाई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बरमाणा स्थित एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री में ताला लगा दिया गया और तत्काल प्रभाव से प्रबंधन की ओर से ये नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि अगले आदेश तक कंपनी को बंद किया जा रहा है। हालांकि कंपनी की तरफ से ये कहा गया है, यह हवाला दिया गया है कि कंपनी को वित्तीय नुकसान हुआ है, जिस वजह से ये कड़ा एक्शन लेना पड़ा है। तो आपको बता दें कि कर्मचारियों और कामगारों को काम पर ना आने का नोटिस कंपनी की तरफ से जारी किया गया और इसमें सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी पर भी संकट लगातार मंडरा रहा है। हालांकि अभी कंपनी ने ये कहा है कि अगले आदेश तक हम ये नोटिस चस्पा कर रहे हैं और अगले आदेश तक कर्मचारियों को कंपनी ना आने के जो फरमान है वो जारी किए गए हैं। तो वहीं अब उस पर एक्शन लेते हुए सूर्य समाचार पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सीमेंट फैक्ट्रियां बंद होने पर हमने रिपोर्ट मंगवाई है। एक एसीसी है और एक अमूजा, दोनों पर ही ताले लटकने की कगार में है। वहाँ पर नोटिस लगा दिया गया है, जो स्टाफ है उनको कहा गया है कि छुट्टियों पर जाने के लिए। किस तरह से मैनेज होगा? दो बड़ी कंपनियाँ हैं, एसीसी और अमूजा सीमेंट की, आप लोग कैसे उसको चाहेंगे कि वहाँ पर जो कोई बेरोजगार ना हो, छटनी ना हो, कंपनियाँ चलती रहें? जाहिर तौर पर प्रबंधन से बात होगी। अभी मुझे बहुत डिटेल नहीं मालूम कि इसमें क्या कारण हुए हैं। अभी तो सरकार बने 48 घंटे हुए हैं, क्या वजह है कि फैक्ट्रियां बंद हुई हैं या कोई तालाबंदी हुई है? तो चीफ मिनिस्टर साहब के पास जा रहे हैं अभी, उन्होंने कोई रिपोर्ट मंगाई होगी, उसके बाद ही बता सकते हैं। मतलब कोशिश रहेगी कि ऐसे किसी तरह कंपनियां बंद ना हो ताकि लोगों को रोजगार? नहीं, अभी तो हमें मालूम ही नहीं है कि क्या उनका, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि जो मैंने भी अखबारों से पढ़ा या उनका नोटिस पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा है कि अनबायबल हो रहे हैं यूनिट्स, तो क्या कारण है जैसे ही उसकी रिपोर्ट वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन देता है उसके बाद।